नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सी दिस स्लाइड एंड दिस इज फॉर यू, प्लीज सी दिस। इन दिस केस व्हाट इज दिस ऑर्डर 32 डील्स विद व्हाट, सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। ऑर्डर 32 इज डीलिंग नॉट ओनली विद द माइनर्स बट ऑल्सो विद द केस ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड डोंट फॉरगेट दिस, दिस कैन बी ए क्वेश्चन और फॉर प्रीलिम्स एज वेल। फाइन, कि वेदर ऑर्डर 32 इज डीलिंग विद ओनली विद द माइनर्स और ऑल्सो विद द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। सो आंसर इज वॉट, दैट इट इज डीलिंग विद द माइनर्स एज वेल एज विद द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वॉट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वॉट वॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीजर, वाई दिस स्पेशल प्रोसीजर हैज बीन गिवन इन दिस ऑर्डर 32। 32 में क्यों दिया गया है? ये दो लाइनें आपको याद रखनी पड़ेंगी एंड यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर इन मेंस एज वेल। बहुत कंसाइज में करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, और यहीं पर इसी के बेस पर आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बारे में कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टू मेनली। दिस इज व्हाट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर्स एंड द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड सेकंड इज व्हाट, दैट दीज माइनर्स एंड द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पर्संस क्वालिफाइड टू एक्ट एज सच। तो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्डर 32। डोंट फॉरगेट दिस। कैसे क्वेश्चन है बन जाएगा प्रीलिम्स का यहाँ से? प्रीलिम्स से क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रीलिम्स से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यहाँ से समझिए इस बात को, कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीजर, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर 32 इज नंबर वन ए दिस वन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स एंड द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। सेकेंड, to ensure that minors and unsound persons are represented by qualified persons, option c by both। so in this way objective questions, prelims questions can be framed in this case also, fine। so this is the main object, this was the next in line of this order 32। kar lenge aap log ye bhi kar lenge, badhe aage, bahut technical nahi hai, keval procedure janna hai aapko, sequence samajhni hai bas, सही है। ऑर्डर 32 डील्स विद व्हाट, माइनर्स, पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, सेकंडली दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द दीज टू कैटेगरी ऑफ पर्संस एंड टू एंश्योर दैट दे आर प्रिंटेड बाय द क्वालिफाइड पर्संस एज सच। कर लेंगे आप लोग ये। नाउ प्लीज मूव फॉरवर्ड, नाउ दिस इज ऑर्डर
अगेन देयर कैन बी क्वेश्चन दैट व्हाई ए स्पेशल प्रोसेसर हैज बीन गिवन टू दिस, व्हाई? सी देयर कैन बी व्हाट ए क्वेश्चन कि व्हाई ए स्पेशल प्रोसेसर वाज नीडेड फॉर दिस, व्हाई दिस एंड दिस इज व्हाट, बिकॉज दिस इज द पॉलिसी ऑफ द लॉ दैट लॉ रिगार्ड सच पर्सन एज ऑफ इमेच्योर इंटेलिजेंस. वॉट immature intelligence and discretions, and therefore special protective procedure is required and which is given under order 32. तो this is again second line आएगी. मेंस की बता रहा हूँ आपको, ये sequence आपको देना ही पड़ेगा इस तरीके से. कर लेंगे आप लोग ये. You see this law regards with what such persons as of immature intelligence and therefore special protective procedure is required. This is what. Please see this. Law regards such persons as of immature intelligence and discretions, and therefore we need a special procedure, a special protective procedure under Article 32. And therefore, this is what, this is next in line in the consequence will be what? As a general principle, the law treat all acts of an infant which are for his benefit on the same footing as of adult. Again, please see this. This is very important. Try to understand this. As a general principle, the law treat all acts of infant, in mean minor, which are for his benefit on the same footing as those of an adult. आप इसको समझिए इस बात को, क्या कह रहा हूँ मैं. If minor is doing something which is beneficial to him, the law will place the same on the same footing as of an adult. Fine. But if he is doing something which is prejudicial to his interest, law will interfere in that. Law will not allow the minor or the infant to do something which is against his interest. This is the general principle of law. So don't forget this again. Is any concepts pe again you can see the question of your prelims. What is the policy? What is the difference? If a minor is doing something, whether all the acts are prohibited? No. If the minor is doing something which is beneficial to him, law will permit. If the as if he is adult, but if he is doing something what which is prejudicial to his own interest, then law will not permit him to do anything for that purpose. Kar lenge aap ye, aap please ye dekhiye again, kar lenge. Dekhiye this, you see this, you can understand this from this. Dekh rahe hain aap log general principle of law kya hai. Acts of an infant, you can divide it into two categories, beneficial as well as prejudicial. These are the acts of an infant, beneficial. Second, you can categorize prejudicial. Acts of an infant can be categorized into two categories, beneficial, prejudicial. Isme kya hua? Beneficial acts are permitted as an adult and prejudicial acts are not permitted. Ab mere khayal se samajh gaye honge aap log, koi confusion bacha nahi yahan par ab, theek hai na. This is what acts of infant कितने कैटेगरी में आ गए हैं? दो कैटेगरी में कर दिया. Beneficial means उसके लिए, उसके जो भले के लिए है. Prejudicial means which are against his interest. These acts are not permitted. Prejudicial acts are not permitted, while what beneficial acts are permitted. कर लेंगे आप लोग ये. देखिए बहुत एक ही procedural chapter है, एक simplified procedure है, कोई बहुत concept नहीं है जिससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा जान डालनी हो. केवल आप लोग कुछ समझना है और मेरी ड्यूटी ये बनती है, मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके वो आपको दिखाता रहूँ. इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से प्रीलिम्स के बनते हैं. एंड सी, अगर इन दिस केस इफ इट हैपन्स कि इफ द प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, वॉट विल हैपन? इफ ए डिग्री इज पास अगेंस्ट ए माइनर, ओके, विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर, वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? द कॉन्सिक्वेंस विल बी वॉट? डिग्री विल बी नलिटी. Decree will be nullity. You see this. If a decree is passed against a minor, this is what now? It is against a minor. Prejudicial ho gaya uske liye. Hai na? Then what will be the consequence? This decree will be nullity and it is void and not merely voidable. In which case it was held? Ramchandra versus Mansingh case mein kahi gayi thi baat ye. Aur ye dhyan rakhna aap log, yahan se question aayega. In which case it was held that a decree passed against a minor or a lunatic without following the procedure is a nullity and void and not merely voidable. Voidable nahi hogi, it will be a void degree. And again this can be the question in your prelims ki ye line di gayi hogi, pehle wali line, this line
जो येलो कलर में है ये लाइन मिलेगी आपको, ए डिक्री पास अगेंस्ट ए माइनर और ए लुनेटिक विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर इज ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी वैलिड। आंसर इज इट इज वॉइड। तो दिस इज व्हाट अबाउट, हमने बहुत बेसिक चीजें समझ ली। अब यहां से थोड़ी टेक्निकलिटी शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। सी व्हाट इज दिस, नाउ वी आर दिस इज व्हाट ऑर्डर 32 इज फॉर माइनर्स एंड द फॉर द पर्पस ऑफ persons of unsound mind, then what should be the criteria of identifying who is the minor and who are the persons of unsound mind, and for that purpose you will have to go to rule 1 as well as rule 15 of the order 32. Please see this, what is this, who is what? Now the question before is what, who is minor for the purpose of order 32 CPC, and who are the persons of unsound mind upon whom order 32 applies. This is the question to be answered by us now, and we will see, and for that purpose we will have to go to this is what rule 1, what it says. I read it for you, please read it, please focus on the slide now. This is what rule 1, it says what, every suit by a minor shall be instituted in his name, and this line is very important, please don't forget this. This line is very important. In his name, every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who in such case shall be called next friend. Next friend को हिंदी में क्या बोलेंगे, टिपिकल करेंगे तो अग्रिम दोस्त, नो इसे कहते हैं वाद मित्र, हिंदी में कहते हैं। अब समझिए क्या है कि प्रत्येक सूट माइनर के नाम में ही इंस्टीट्यूट किया जाएगा, परंतु ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, वाद मित्र कहेंगे, हु शैल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर, एंड दिस इज टू बी अंडरस्टूड बाय यू। सी यहां पर मैंने आपको दिखाया दो चीज, देखी आप लोगों ने स्लाइड में, देख ही रहे हैं आप लोग, है ना, व्हाट टू पॉइंट्स आर देयर विद इन दीज टू थ्री लाइंस, यू विल सी मिनिमम टू क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्वेश्चन कैसा है का आपको दिखाता हूं मैं, दिस इज दी आई शो यू द क्वेश्चन, प्लीज सी द क्वेश्चन, सी प्लीज सी द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस लाइन, एवरी सूट बाय ए माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द माइनर, ऑप्शन बी गार्जियन ऑफ द माइनर, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर, बोथ बी एंड सी। यू कैन सी दिस, दिस क्वेश्चन केम इन द पंजाब जुडिशियल सर्विसेस। What every suit, and now please see the language of this, what is the language of this rule 1, every suit by a minor shall be instituted in his name, and from here you can see the question, every suit by a minor shall be instituted in the name of the minor. So dekha aap logon ne ki rule 1 ki pehli line se question aapko mil gaya hai, yahan par hi every suit by a minor shall be this, don't forget this, and please see the language again, every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who shall be called next friend. Ab dhyan rakhna, this is what is it is named, it is required, kya kiya gaya yahan par isko, ye kya hai next friend keh rahe hain isko hum log, isse hum guardian hi keh rahe hain, because this is the case of when the suit is filed by whom, suit is filed by the minor himself. So when the minor is the plaintiff, he will have to appoint a next friend for him as per the rule 1. This is the first special procedure with regard to the minors. Got it or not? Now please see this explanation 1. Now you will have to identify who is the minor. As per this explanation to the rule 1, who is the minor? In this order, I read it for you. Theek hai? Aap please focus kijiye, slide dekhiye aap log zara. Kya hai dekhiye? In this order, minor means what? A person who has not attained his majority within the meaning of Section 3 of Indian Majority Act, and this line is very important for you, 1875. And please see this, what I am saying to you, what is important in this case? The minority will be decided not on the basis of CPC, but on the basis of the Indian Majority Act.
आप समझ रहे हैं बात को? अब क्या पढ़ रहे हैं? सीपीसी कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग? 32 कर रहे हैं। लेकिन व्हेन यू विल हैव टू डिसाइड वेदर पर्सन इज माइनर और नॉट, यू विल हैव टू गो टू व्हाट? सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, गॉट इट नॉट? सो अगेन यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। यू सी दिस क्वेश्चन अंडर, दिस इज अंडर ऑर्डर 32 रूल 1 सीपीसी, ए माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट अटेंड हिज मेजोरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट। दिस इज आंसर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दे दिया गया आपको, सीपीसी दे दिया गया आपको, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट दे दिया गया आपको, एंड यू कैन बी कन्फ्यूज, डोंट फॉरगेट दिस दिस व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द मेजोरिटी वेदर ही इज ए पर्सन वेदर ही इज द वेदर ही इज माइनर और नॉट, देन यू विल हैव टू गो फॉर दिस व्हाट दिस इज इंडियन मेजोरिटी एक्ट। कर लेंगे आप लोग? नाउ दिस इज व्हाट सेक्शन 3, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट। नाउ सेक्शन 3 क्या कहता है? व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दिस? अगेन यू विल हैव टू गो दैट फॉर दैट। एंड देखिए मेंस में आपको सब लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख रहे हैं कि दिस इज स्पेशल प्रोसीजर। व्हाई इट इज स्पेशल प्रोसीजर? बिकॉज इट इज फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट माइनर्स एज वेल एज ऑफ persons of unsound mind. Okay, why they are protecting? By because the law treats them as of immature intelligence and discretion, therefore special procedure is required. Fine, therefore we need someone who is well qualified to protect their interest, therefore the procedure of order 32. Kar lenge aap ye order 32 ho gaya. Next is what? Then we are coming to what is the procedure? Then our rule 1 says what? It is to be sued by a minor is to be filed by the through next friend, but in his name. And who is the minor? For that purpose, we have come to the section 3 of the Indian Majority Act. So, यहाँ तक कर लेंगे आप लोग, भूल तो नहीं रहे ना? ठीक है, please keep on revising like this as well. Now, see this. What is section 3 of the Indian Majority Act says? You please see the slide. I read it for you. Please focus on this slide now. Section 3 of the Indian Majority Act 1875 says what? If he has not attained the age of 18 years, this is the first criteria. Samajh rahe hain aap ye? Section 3 says what? If he has not attained the age of 18 years, it means when he attains the age of 18 years, he becomes the major. Now, and in case of a minor of whose person or property a guardian or next friend has been appointed by a court or whose property is under the superintendence of the court of wards, the age of majority is 21 years. This is what. So you will see there are two criterias now. Samajhe aap? You will see there are two criterias. Indian Majority Act Section 3, they have given you two criterias, two categories. Number one, first category kya hai? Please see the slide. This is first. फर्स्ट व्हेन ही हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यहाँ सिंप्लीफाइड है ये, कि यहाँ सिंप्लीफाइड करते हैं कि देर दई कि नंबर वन क्या है कि यहाँ पर कब होगा 18 ईयर्स कंप्लीट होंगे यू विल बी कंसिडर्ड एज माइनर। बट सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? सेकेंड कैटेगरी में यू विल हैव टू सी इफ दिस इज द केस, इफ द केस फॉल्स इन दीज सेकेंड कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी इसमें? नंबर वन, दिस इज फॉर हुज पर्सन, डोंट प्लीज देखिए वर्ड्स पर ध्यान देखना, फॉर हुज पर्सन and the property, these two things, for whose person or property a guardian or next friend has been appointed by a court. नहीं समझे आप ये? देखिए मैं समझाता हूँ। एक फिल्म आई थी चालबाज, उसमें श्रीदेवी माइनर थी, उसके चाचा जी चाची जी को उसका गार्जियन अपॉइंट किया गया था उसके पर्सन का और प्रॉपर्टी का। इन दैट केस अगर ऐसी बात है तो ऐसे केस में जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो 18 ईयर्स नहीं होगी, वो होगी 21 ईयर्स। आप समझ रहे हैं? आपके माता पिता हैं, देर इज नो वन हैज बीन अपॉइंटेड एज गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड फॉर यू, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज मेजर एज द एज ऑफ 18 ईयर्स, है ना? यू विल बी कंसिडर्ड मेजर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स बिकॉज देर इज सिंपली सिंपल केस। लेकिन इन स्पेशल केसेस व्हेन द गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड हैज बीन अपॉइंटेड, व्हेन द गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड हैज बीन अपॉइंटेड for the person or the property of the minor, then he will be considered major only when his age becomes
21 ईयर्स इज, तो 18 ईयर्स 21 ईयर्स, दो क्राइटेरिया हो गए. व्हेन यू विल कंसिडर्ड मेजर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड व्हेन यू विल कंसिडर्ड एज मेजर एट द एज ऑफ 21 ईयर्स. सेकेंड कैटेगरी कौन सी है उसमें, और हुज प्रॉपर्टी इज अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स. कोर्ट ऑफ वार्ड्स की सुपरिटेंडेंस में अगर आपकी प्रॉपर्टी है, इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी कंसिडर्ड टू हैव अटेंड द मेजोरिटी एट द एज ऑफ 21 ईयर्स. तो ये आपका क्राइटेरिया रखेंगे. एंड अगेन ये टेक्निकलिटीज मैंने आपको समझाई है यहाँ से, ये अगेन आपको यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे. व्हेन यू विल बी कंसिडर्ड एज द मेजर, कर लेंगे आप नहीं कर लेंगे, तो 18 ईयर्स 21 ईयर्स गार्जियन नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंटेड बाय द कोर्ट प्रॉपर्टी अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये आप ध्यान रखेंगे आप लोग कर लेंगे. नाउ प्लीज कम नेक्स्ट, हु आर द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड. अगेन सी दिस, क्या हु आर द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड एंड दिस इज गिवन अंडर वॉट रूल 15. एंड अगेन इट कैन बी क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स कि विच रूल्स डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन दैट हु आर द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको क्या कहा था शुरू में, मैंने आपसे ये कहा था शुरू में कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस बट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. सीपीसी में व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी, यू प्रिपेयर फॉर द मेंस एंड फ्रॉम दैट पोर्शन यू टेक आउट योर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स. मेंस की तैयारी कीजिए और मेंस में उसी पोर्शन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, बिकॉज सीपीसी इज टू वास्ट. अगर हम सभी कुछ करने लग जाएंगे तो कर तो लेंगे बट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू होल्ड एंटायर कोर्स, बिकॉज सीआरपीसी पढ़नी है, सीपीएससी भी पढ़नी है, एविडेंस ही पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है. तो यही हमारा एक तरीका है कि हाउ टू मैक्सिमाइज आर एफिशिएंसी, कितना कम पढ़ करके ज़्यादा आउटपुट कैसे निकले वो. तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ पोर्शन, जैसे 32 पढ़ा रहा हूँ मैं भी आपको ये, तो 32 अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, उसका हर एक चीज़ को, उसको कोई भी रूल छोड़ नहीं रहे. जहाँ जहाँ हर टेक्निकल क्वेश्चन जहाँ से बनता है यू शुड डू इट. एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स दैट डोंट फॉरगेट द टेस्ट ऑफ टेबल ऑफ 10. जितना कंफर्टेबल आप 10 के टेबल में हैं उतना ही कंफर्टेबल आप इनके इनमें रटे होने चाहिए. रूल 1 सेज व्हाट, वेयर इज द माइनर, इंडियन मेजोरिटी एक्ट सेक्शन 3, पर्सन ऑफ सन माइंड रूल 15, ठीक है. द सूट विल बी इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द माइनर बट थ्रू द नेक्स्ट फ्रेंड. डोंट फॉरगेट दिस, व्हाट आई एम सेइंग, सूट विल बी इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, सॉरी इन द नेम ऑफ द माइनर बट थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड. कर लेंगे आप लोग ये, ठीक है. तो 15 में आ जाइए अभी. हु आर द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अब ये देखना है. हु आर द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सेक्शन 15 सेज व्हाट, दिस इज फॉर यू, प्लीज रीड इट नाउ. हु आर द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अकॉर्डिंग टू रूल 15 द पर्सन हु आर एडजस्ट, प्लीज सी देखिए, ये रेड कलर में कर रखा है आपके लिए, प्लीज सी दिस, हु आर एडजस्ट बिफोर और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन हु दो नॉट सो एडजस्ट, प्लीज सी दिस, टू कैटेगरीज हो गई यहां पर, ये दो नॉट सो एडजस्ट आर फाउंड बाय द कोर्ट ऑन इंक्वायरी टू बी इनकैपेबल बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल इन्फर्मिटी और प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट व्हेन सुइंग और बींग सूड. सो आई रेड दीज लाइन्स फॉर यू, दीज लाइन्स आर ऑल्सो इन दी नोट्स एज वेल, अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये है क्या, इसको आप ऐसा समझिएगा. इस स्लाइड को देखिए आप लोग, रूल 15 इज डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इफ यू रीड इट केयरफुली देन यू विल डिडक्ट दैट देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द पर्सन हु आर कंसिडर्ड टू बी द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. नंबर वन, फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी, दिस इज द पर्सन हु आर एडजस्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड. दर्सन्स हु आर एडजस्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द वर्ड इज वॉट एडजस्ट. और इसको देखिए आप ढंग से समझिए, एडजस्ट का मतलब क्या हुआ, एडजस्ट का मतलब ये हुआ कि देर इज ए जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑन द पॉइंट ऑफ दिस दैट येस हेयर बाई इज बींग एडजस्ट बाय द कोर्ट
दिस इज द जुडिशियल डिटर्मिनेशन, दिस इज द जुडिशियल डिटर्मिनेशन दैट यू आर द पर्सन ऑफ सम लाइन. तो नाउ हेयर इट इज एडजस्ट, ठीक है. ड्यूरिंग एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स द पर्सन इज बींग एडजस्ट दैट ही इज द ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडजस्ट, द पर्सन हु आर एडजस्ट, ठीक है. नाउ सेकेंड कैटेगरी इज वॉट, द पर्सन दो नॉट सो एडजस्ट. देख रहे हैं आप ये, दिस इज वॉट द पर्सन दो नॉट सो एडजस्ट आर फाउंड बाय द कोर्ट टू बी इनकैपेबल. दो बातें आ गई है कि पहले कैटेगरी जिसमें जुडिशियल डिटर्मिनेशन है, सेकेंड कैटेगरी क्या है कि दो नॉट सो एडजस्ट उनको देयर इज नो सच जुडिशियल डिसीजन ऑन द मेंटल कैपेसिटी बट एन इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड बाय द कोर्ट फाइन एंड इन दैट इंक्वायरी दे वर फाउंड टू बी इनकैपेबल. इनकैपेबल ऑफ वॉट? इनकैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट. सी दिस, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. देख रहे हैं आप लोग ये, द पर्सन हु आर एडजस्ट, ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी टू बी ऑन साउंड माइंड. एंड दिस इज द सेकेंड कैटेगरी, द पर्सन हु दो नॉट सो एडजस्ट देन दीज पर्सन्स आर फाउंड ऑन इंक्वायरी टू बी इनकैपेबल. इनकैपेबल किस बात का? ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट. समझ रहे, दे आर फाउंड टू बी इनकैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट. वाई दे आर इनकैपेबल? बिकॉज ऑफ द रीजन्स ऑफ मेंटल इनकैपेसिटी. दे आर इनकैपेबल, रीजन इज वॉट? रीजन ऑफ देयर इज मेंटल इन्फर्मिटी. तो दीज आर द टू पर्सन्स, दीज आर द टू कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु आर कंसिडर्ड टू बी द पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है हिंदुस्तान का. वीडियो में भी कई बार समझाया होगा आपको, अभी बता रहा हूँ आपको. यूपीएससी से कंपेयर कर लीजिए, ना जीएस है, ना सीसेट है, ना और दुनिया भर झंझट नहीं है. रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है और पहले 3 साल या 5 साल पढ़ करके आ रहे हो. सिर्फ फेल होते हैं हम अपनी गलती से, क्योंकि कभी एडवोकेसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगातार हम पढ़ नहीं रहे हैं. इसका केवल और केवल मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर आपको जज बन जाना चाहिए. और ये सब खत्म कीजिए महाराज, अगला वीडियो पढ़ने बैठो. चलो चलो चलो, शाबाश.